नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एजुकेशन जोन में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि BAMS का टेस्ट 2017 का निकल गया है, तो पार्ट वन मैंने आपको बायोलॉजी में बताया था, तो मैं आपको अब पार्ट टू बताऊंगा जो बेस है केमिस्ट्री। 50 मार्क्स की मैंने आपको बायो बताई थी, अब 50 मार्क्स की मैं आपको केमिस्ट्री बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं केमिस्ट्री में। दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा, बस इसके आंसर आप खुद कर लीजिए। तो दोस्तों, हाउ मच एनओ इच इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1000 ml ऑफ 0.5 mCl। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो आपको ये क्लास प्लस वन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ परसेंटेज ये पढ़ना पड़ेगा, जो प्लस वन में है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में है। तो दोस्तों, ये परसेंटेज मैंने आपको बताया कि ये प्लस वन क्लास में है। उसके बाद ये टेम्परेचर सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला स्केल्स के बारे में पढ़ लीजिए, रीडिंग के बारे में। ये 3D ऑर्बिटल्स के बारे में आपके पास प्लस वन में है। प्लस वन में आपके पास चैप्टर किस में है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपकी बात करूं कि 2 पॉइंट इतना ग्राम सिल्वर कार्बोनेट है, He2I मोल, तो ये आपके पास है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास प्लस वन। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, तो एक इफेक्ट आ गया है, फ्रेंकल डिफेक्ट, जो इन आयोनिक सॉलिड रिजल्ट इन इंक्रीज नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है जो, ठीक है। ये आपको परसेंट निकालना है, तो आपको ये पता किससे मिलेगा, ये आपको क्लास प्लस वन में मिलेगा और ये आपको क्लास पर प्लस वन में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो मोलरिटी, ये भी आपके पास क्लास प्लस वन में है। तो दोस्तों, ये जो आपको मोलरिटी वाला क्वेश्चन देखा, ये क्लास प्लस वन में है, क्लास प्लस वन में। और मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक तो वोटर के बारे में बोला है, वोटर का क्या होता है, H2O। इसका मोलिकुलर वेट होता है अपॉन 18, और कितने में होता है, 1000 में। 2 9 18, 2 5 10। अभी आ गया 9 5 45.5 आ गया इसमें, 9 5 45.0 लग गया, 9 5 45, 9 5 45। पर करेक्ट हाफ इन्होंने लिखा है ये। अब नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट की बात आई, कॉम्पोजिशन ऑफ जर्मन सिल्वर इज, कॉम्पोजिशन जर्मन सिल्वर COCuZ है। NaN, जब NaCl एक वाटर में डिजोल्व हुआ तो सोडियम आइंस बिकम बनाया, तो क्या है वो, ऑक्सीडाइज है। रीजनिंग स्ट्रक्चर क्या है, डू नॉट लाइन सेम प्लेन, क्योंकि वो लाइन ही करता है सेम स्टेट में। नेक्स्ट की बात करें, हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन एंड डाइफ्रा एथर इज SP3। अब अगली की बात हम करते हैं, कितने टेट्राहेड्रल एंगल्स होते हैं किसमें, मीथेन मॉलिक्यूल्स में, तो वो 4 होते हैं। कितने, 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंथेसाइज गैस मिक्सचर ऑफ CO+H2, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम, फिनोमिना ऑफ स्पोरफेशन रेफर्स टू ऑब्जर्वेशन एज वेल एज एब्सर्वेशन। मोल्ट प्रोसेस इज रिलेटिंग टू किससे होता है, निकल से, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारे पास, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आप प्लस वन में इस 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, तो आप पूरी मतलब इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। फर्स्ट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड है आपके पास एटमिक स्ट्रक्चर, क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड एटमिक स्ट्रक्चर और पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देन और दोस्तों, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला बहुत आसान होता है, ये भी आपको प्लस वन में मिल जाएगा। ये परसेंटेज पेन का फॉर्मूला, ये भी आपको प्लस वन में है। टेट्राहेड्रल एंगल्स, ये आपको प्लस टू में। और स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये है आपको प्लस टू में। और ये तो आपको नहीं, और ये भी आपको प्लस वन में है, प्लस टू। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब, मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और आप सबको जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत शुक्रिया। उनको अपने एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट है, क्योंकि आप अपना पूरा 100% लगा दीजिए, तो आप मेरे हिसाब से आपका एग्जाम्स क्लियर हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।